Assalamualaikum, ग्रामीण को दयम साथ होस बना रोसाना परवी पदी डेम दवाना में पावसिंग के ऊपर से इनको नमस्कार मुस्कुरा वर्ड ब्लड डोनर डे पदी हवाली सब हम लोग जना सिद्धि सबको का खबर है। फ्रंटियर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 14 जून को आलमी योम अतिय खून के मौके पर अबासीन यूनिवर्सिटी पेशावर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ पेशावर मोहम्मद इमरान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन फ्रंटियर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद हलीम, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर फखर जमान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट लाइबा फयाज और दीगर स्टाफ के साथ साथ तलब और तालिबात समेत अमराज खून में मुबतला बच्चे और उनके वालदेन भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर बाकायदगी से अतिया खून करने वाले अफराद और तलबा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कीमती इंसानी जिंदगी बचाने में ब्लड डोनर्स के किरदार को सराहा। चेयरमैन फ्रंटियर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद हलीम ने अतिय खून के हवाले से अवाम में शूर उजागर करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अवाम खून अतिया करें ताकि अमराज खून में मुबतला मरीजों की जिंदगियों को बचाया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर फखर जमान ने तफसीली लेक्चर भी दिया, जबकि सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। अलावा अजी क्विज प्रोग्राम में दुरुस्त जवाब देने वाले शुरका में तहाइफ भी तकसीम किए गए। बाद अजां थैलेसीमिया में मुबतला बच्चों के साथ मिलकर केक काटा गया और शुरका में अवार्ड्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। अरेंज किए थे इसी तरह
जो सर्जरी में, एक्सीडेंट में, ये सब में जो है इमरजेंसी में हम सबको जरूरत पड़ सकती है किसी भी टाइम। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं रखकर इधर मौजूद है और भी दोस्त उनको मौका देना चाहते हैं वो आपकी बात करें। You are the future of the motherland, and your role that is praiseworthy in all the aspects. I'm not only confined to your academics, but the rest of your all the co-curricular activities, your interpersonal skills, your dealings, the way you are spending your time in your homes, in your community. But as far as these trisemic patients are concerned, they are our own brothers. There are our own sisters, there are there are our own kids, and they are the most highly talented class of this society. Because as far as I am concerned, so I have seen all the thalassemic patients, that they are fully equipped with all the interpersonal skills, and they are fully equipped with all the morality skills, and they are highly talented people. But the thing is that they need our support. They need our love. They need, like the way this gentleman he said that we need blood. So personally, if I tell you my own story, I am the one. I think that I have been donated my blood. कि पाकिस्तान में इतना किसी ने डोनेट नहीं किया होगा जितना मैंने डोनेट किया, लेकिन मैं आपको नहीं बताता हूँ कि मैंने कितना ब्लड डोनेट किया हुआ है। तो आप लोग हमारी जहाँ पे भी कोई भी वेलफेयर ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ होती है, सोशल वेलफेयर इमरान साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो मैं आपका सर बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी चेयरमैन फ्रंटियर फाउंडेशन साहिबजादा मोहम्मद हलीम साहब हमारे साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, फाउंडेशन के नाम से इदारे इंतजार जी, और वो जो है पेशावर से उसका आगाज हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्वाद पहाड़ और पेशावर समेत 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे हम थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स हैं हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, 104,000 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी एक्टिविटीज हो रही है और जितनी पेशेंट्स को ये रिलीफ मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, तो ये इस आज हमारे साथ ब्लड कैंप्स के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे लिए कंडक्ट करते हैं, और इन बच्चों की ज़िंदगी जिस हज़ारों मदार इसी घट पर है, तो उसको प्रोवाइड करने में हमारे ये जो जितने भी इकराम आए हुए हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टेज में भी अलीपुर रहमान साहब बैठे हैं, जो कि थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ भी हैं, और ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर वॉलंटियर काम करते हैं थैलेसीमिया और ब्लड डोनेशन के हवाले से, उनकी भी इस सुबह में बहुत तरह तरह के हमारे हैं। और सबसे ज़्यादा आज जो मैं शुक्रगुजार हूँ वो अबासी यूनिवर्सिटी का, जो सामने मेरे सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये हमारे जो है रियल हीरोज जो हैं, हमारे जो डोनर्स हैं ब्लड डोनर्स, जिनकी वजह से इसका रवा दवा है, इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैनेजमेंट का, जो अबासी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट है, वाइस चांसलर साहब, डीन साहब, और उनका भी इतिहाई गुजार हूँ कि हम हमारे साथ मिलकर ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है आज के दिन के हवाले से। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को सेलिब्रेट होता है। अब दिलचस्पी की बात यह है कि ये 14 जून को क्यों सेलिब्रेट होता है, तो इसकी एक खास वजह है। 14 जून एक्चुअली एक हमारे थे साइंसदान, साइंटिस्ट जिसका नाम सत्तार लैंड स्टीनर, ये वो शख्सियत थी जिन्होंने ये ब्लड ग्रुप्स हैं जो आज हम नाम लेते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इसको जो डिस्कवर किया था ये कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। तो 14 जून जो है उनका बर्थडे है, एक्चुअली ये हम कार्ल लैंड स्टीनर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो
जिसको फिर WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का जब आगाज किया उसके लिए उन्होंने 14 जून चुना। इसकी तो एक बड़ी वजह यह है। दूसरी बात, पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो जहाँ पे ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की तादाद इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो हमारी पॉपुलेशन है जैसे अब तकरीबन 23-24 करोड़ तक हमारी पॉपुलेशन पहुँच गई है, इसका 1% से भी कम लोग ब्लड डोनेट। सो आई वाज इनवाइटिंग अजीज प्रीति के वो इसरार प्रीति के वो स्टेज पे आए और आपके साथ जो है कुछ बातें शेयर करें। सो प्लीज क्लैप फॉर द इसरार प्रीति। ऑजिलर फॉर यूजर मुरली। सबसे पहले मैं सर पार्लियामेंट से और सब आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ स्टेज पर कुछ कहने का मौका मिला है। सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल डोनर डे। इसके बाद मैं अपना तारुफ करना चाहता हूँ। नाम इस रहा प्रीति है, तालुक डिस्ट्रिक्ट खैबर से है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मैंने मास्टर किया है। मैं एक थैलेसीमिया मेजर फाइटर हूँ, लेकिन इसके साथ मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर की डिग्री हासिल की और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 तक। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझे एक ऐसी बीमारी में मुबतला हुआ था जो उसको थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया आप सबको पता है कि एक ऐसी बीमारी है जो के बारे में से बच्चों को मुंतकिल होती है और जिसको थैलेसीमिया होती है उसको हर महीने में ब्लड की ज़रूरत होती है। वो ब्लड बैंक में बनाता है, नले बॉडी में बनाता है, न केमिकल से बनाता है। ये आपकी तरफ लोग जो है वो हमें ब्लड डोनेट करते हैं। अगर आज आप मुझे ब्लड डोनेट नहीं करोगे तो कल हम मर भी सकते हैं। अगर मेरी माँ सारी रात रो सकती है, रो जाए या जाग जाए, वो मुझे बचा नहीं सकती, लेकिन अगर आप दो तीन कतरे मुझे देते हो तो आपकी वजह से मैं बच सकता हूँ। तो आप सबसे एक अजीजाना दरख्वास्त करता हो कि आप हमारे लिए ब्लड डोनेट करो और शादी से पहले एक थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि थैलेसीमिया की जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल है। अगर दो थैलेसीमिया हमारे यहाँ शादी करें और एक के हमारी तरफ बच्चे पैदा होते हैं तो मैं तो अगर आज की बात करता हूँ ना, मैं एक गाना का रेट में हर रोज हर चीज के सामने भीख मांगता था कि मुझे दीख दो, कि मुझे भूल दो, बीच पे मुझे भूल दो, क्योंकि पैसे में कोई भी भूल नहीं देता तो अल्लाह के नाम का देते हैं ना। लोग फिर भी मुझे ये कहते हैं कि आप ये भूल पर क्या करते हो, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं होते हैं और ये कहते हैं कि आप ये जो ब्लड हमसे लेते हैं ये फेरोज करना चाहते हैं। मैं उसके सामने ये कहता था कि नहीं मुझे ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त लोगों में ये अवेयरनेस नहीं होती थी और मुझे 3-4 दिन ब्लड के पीछे जाना पड़ता था, हर किसी से ये मांगना पड़ता था कि मुझे खून दो। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हर यूनिवर्सिटी में ये अवेयरनेस सेशन होते हैं, हर किसी को ये पता है कि ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता। हर 4 महीने बाद हर इंसान में अपना खून तब्दील हो सकता है और आपकी जो खून है वो हमारे लिए ज़िंदगी भी बन सकते। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्टेज पर बात करने का मौका दिया। پاکستان کے دا پاپولیشن دے دا غیر یو
ने और कई और प्रकार तरह से कम से कम तीन पैसे का खाना थैंक यू सो मच। आपके बारे से आप क्या कहना चाहेंगे? ताल्लुक 3 साल वाइस क्लब से है। आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो ब्लड देते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो पहले सीनियर के से रिलेटेड बच्चे हैं या उसके मर्द से जो जद्दोजहद करते हुए बच्चे हैं, ब्लड की बेतहाशा खून की ज़रूरत होती है। तो अगर लोग खून डोनेट नहीं करें तो पहले सीनियर मरीज जो हैं, जो मरीज बच्चे हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो लोग हत्या करते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया से रिलेटेड बच्चों को एक नई जिंदगी बना सकते हैं। और हम बड़े खुश होते हैं हाल ही दिन में कि बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कि ये दिन थैलेसीमिया से रिलेटेड बच्चों के लिए बहुत है। और खाली चीज़ें हैं जो पेशेंट्स हैं, जैसे एक्सीडेंट के मरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा मरीज होंगे, उनकी बेहद ज़रूरत है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों पर जो खून हत्या करते हैं। और इस लिहाज से हमारी भी ये पॉइंट है कि इसी तरह वो लोग ये काम जारी और सारी रखें ताकि लोगों को खून पर वक्त नहीं छूटे। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, आज के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे आवाम? जी आज के दिन बहुत स्पेशल है ब्लड डोनर्स के लिए, और इस फंक्शन का मकसद ही यही था कि ब्लड डोनर्स को उनको खराज तकसीम पेश करें ताकि और भी मोटिवेट हो। और निसा वंस क्लब इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तौर से चैरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोगों को। तो इंशाल्लाह और इस चीज़ को प्रमोट करते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 14 जून है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। इस डोनर डे का बेसिकली मतलब ये है कि हम कम्युनिटी में सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं, लाइक थैलेसीमिया, लाइक हेमोफीलिया, जो कि एक सीवियर डिजीज़ है। इसी के अभी तक दुनिया में कोई खास का इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी रेशो 1% है, वाइल पाकिस्तान में इसकी रेशो 6% है। इस 6% को रिड्यूस करने के लिए हमें कौन से वो इकदाम करने चाहिए जिसके ज़रिए से हम इस बीमारी से बच सकें? सबसे कॉमन ये उन लोगों में होते हैं जो जहाँ पर मोस्टली कज़न मैरिजेस किए जाते हैं। तो बिफोर कज़न मैरिजेस हमें चाहिए कि डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम HB इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं, विच इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, बहुत इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। एक इलेक्ट्रोफोरोसिस टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि जिसके ज़रिए से हम थैलेसीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं, चाहे वो मेजर थैलेसीमिया हो या वो माइनर थैलेसीमिया हो। जब दो माइनर थैलेसीमिया आपस में कंबाइन होते तो एक सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर बनता है जिसको हम मेजर थैलेसीमिया कहते हैं, जो कि हर माह हर हफ्ते बच्चों को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें बिफोर मैरिजेस ये टेस्ट करना चाहिए, और हमें इस टेस्ट के साथ साथ अपने कम्युनिटी में जो यंग रूल मॉडल मेल है, जो यंग रूल मॉडल फीमेल है, उनको इन्हेंस किया जाए थ्रू सेमिनार्स, थ्रू डिबेट कॉम्पिटिशन, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, कि हम फ्यूचर में इन तरह से बीमारियों से बच जाए और इसी तरह तकलीफ से हमें छुटकारा मिल जाए। थैंक यू सो मच। Thank you.